हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे टेस्टी वाली टमाटर की चटनी जो स्मोकी फ्लेवर वाली है। जिसके लिए हम पहले टमाटर सेक लेंगे। टमाटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि छिलके जो है वो अच्छे से सिक जाए। ये एक एक करके मैंने सारे टमाटर पर ऑयल लगा के रख दिए। ये स्मोकी फ्लेवर वाली जो है वो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और टमाटर तो हेल्दी होते हैं, टमाटर हर सीज़न में मिलते भी हैं और हमें खाना चाहिए। उसमें से विटामिन सी मिलता है जो कि बहुत अच्छा होता है, लेजीनेस भी दूर करता है। ऐसा कहते हैं कि विटामिन सी खाने से लेजीनेस जो है वो भी कम होती है, लेमन और वो सबसे भी। देखिए ये मेरे टमाटर ऐसे थोड़े थोड़े बीच में घुमाते रहेंगे और सारे हर तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। हम डायरेक्टली भी गैस पर सेक सकते हैं, वैसे भी मैंने पहले किया हुआ है। इसका वीडियो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। इसलिए मैंने तवे पे लोहे का तवा ले लिया है, उस पर मैंने सारे टमाटर सेक लिए हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो ये बहुत अच्छा रहता है तवे पे सेकना। तो ये मैंने टमाटर सेक लिए हैं, उसका छिलके भी थोड़े से अलग होने लगे हैं। इस तरह से टमाटर के छिलके अलग होने लगे, ऑलमोस्ट सिक चुके हैं। उसके बाद हम उसके सारे छिलके जो है वे उतार लेंगे। इस तरह से हम मिर्ची जो है, हरी मिर्च, वो भी सेक सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं, और प्याज भी। उसका भी टेस्ट अलग ही होता है। मैंने थोड़ी जेन वाली बनाई इस टाइम, तो फिर मैंने नहीं सेका है वो सब, बट ये हम ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये टमाटर की चटनी जो है हम सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, थेपला, हर किसी के साथ, सिंपल रोटी के साथ भी, और टेस्ट से और बढ़ जाएगा। ये मैंने टमाटर सेक लिए हैं और निकाल लिए हैं। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे उसको और फिर छिलके ले निकाल लेंगे। जिस तरह से हम बैंगन का भरता बनाते हैं और जैसे छिलके निकाल लेते हैं, उसी तरह से इसके भी निकल जाते। देखिए मैंने एक एक करके सारे छिलके निकाल दिए। उसको अच्छे से सेकना है ताकि वो अच्छे से स्मैश भी हो जाए। अगर अच्छे से स्मैश नहीं होता है तो हम तड़का लगा के उसको थोड़ा सा और पका भी सकते हैं। देखिए मैंने छिलके निकाल लिए और थोड़ा सा चाकू से स्मैश कर लिया है। उसके बाद मैं हाथ से भी वापस से कर लूँगी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि हम इसमें और कुछ नहीं करने वाले। डायरेक्टली जो भी हमें मसाला चाहिए वो हम ऐड कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो इसके लिए अदरवाइज़ आप तड़का लगा के थोड़ा सा पका भी सकते हो, घी डाल सकते हो इसमें। ये मैंने स्मैश कर लिया है। अब इसमें मैंने डाली हरी मिर्च चॉप की हुई, धनिया बहुत सारा, और ये थोड़ा सा फुदीना, फुदीने के पत्ते भी मैंने चॉप कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, लाल मिर्च जो है मेरे घर पे पिसी हुई है, थोड़ी सी कम रेड लग रही है, चिली फ्लेक्स ज़्यादा लग रही है, और धनिया जीरा पाउडर। ये सब अपने टेस्ट के हिसाब से हम ले सकते हैं। हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो कम मिर्च लिए मैंने, और अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा घी भी डालना है जो कि मैंने नहीं डाला है, बट उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और ये मेरी चटनी रेडी है, हम इसको सर्व करेंगे रोटी के साथ। ये मेरा फास्ट डिनर रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करना और बताना। थैंक यू।